जय भीम साथियों, कान लगाकर गौर से सुनिए, आपके चारों तरफ किस तरह का शोर चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव, भाजपा ने एक तरफ जहां बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मीरा कुमार को लेकर आ गई है। मैं जिस शोर की बात कर रहा था, उस शोर को ठीक से सुनिएगा। उसमें दलित 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 कभी धीरे धीरे, कभी जोर जोर से सुनाई पड़ेगा। अगर ठीक से देखें तो दिखेगा कि देश की यह जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, ये दलितों को लेकर कितनी गंभीर हैं, कितनी चिंतित हैं दलितों की भागीदारी को लेकर। ठीक है कि इन लोगों ने दलित प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन क्या आज के माहौल में इनके इस प्रयास को, इनके इस कोशिश को एक ईमानदार कोशिश के रूप में देखा जाए? तमाम तरह के लोग अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और खेमेबाजी शुरू हो गई। खेमेबाजी कई स्तर पर है। एक तो बाहर का जो विरोध है वो तो है, उसके साथ ही दलितों का जो अंतर विरोध है वो भी सामने आ गया। रामनाथ कोविंद कुली जाति से, कुली जाति शायद इसके पहले आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत कम आबादी है इस देश में दलित जाति है। और मीरा कुमार तो एक बड़ी नेता रही है, बड़ी शख्सियत की बेटी है, बाबू जगजीवन राम की बेटी है, लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। तो इन दोनों के बीच कुली जाति में उस तरह से जाति की अस्मिता को लेकर कोई बात नई सामने नहीं आई है, लेकिन दूसरी तरफ मीरा कुमार को लेकर एक किस्म का चमारवाद जो है, दलित के अंदर का जो अंतर विरोध है वो भी दिखने लगा है। ये आप ठीक से देखेगा तो अंदर का भी अंतर विरोध दिख जाएगा। बहुत तरह के सवाल हैं। मसलन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन दो लोगों को अलग अलग पार्टियों ने, दो प्रमुख पार्टियों ने उतारा है, वो अब तक जो देश भर में जो दलितों से संबंधित जो घटनाएं घट रही थी उन पर इनका क्या कोई बयान भी आया है क्या, या कोई किसी दलित इशू पर ये कितने गंभीर रहे, खासतौर पर अभी हाल के दिनों में जिस दौर को हम देख चुके हैं। रोहित वेमुला का मुद्दा सबसे ताजा तरीन मुद्दा है, जिस मुद्दे पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो अभी जिन लोगों को दलित नेता बताकर उतारा गया है, रोहित वेमुला के मुद्दे पर इनका क्या बयान था, क्या स्टैंड था। वहीं दूसरी तरफ देश भर में दलित उत्पीड़न के सवाल पर इन लोगों ने कितनी बार मुंह खोला। तो इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीति में, मैं व्यक्तिवादी ना होकर, हो सकता है रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत स्तर पर दलितों के लिए काफी कुछ किया हो, या मीरा कुमार ने भी किया हो, लेकिन इसको व्यक्तिगत स्तर पर ना देखते हुए राजनीति को प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाना चाहिए। मसलन कि कोविंद किस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, या मीरा कुमार किस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर हम इसको देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये दलित का मात्र चेहरा है या फिर सचमुच दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी जो दलितों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं हाल के दिनों में, जो या तो आरक्षण की वजह से या अवसर उपलब्ध ना होने की वजह से लोगों ने संघर्ष करके जो जगह हासिल की है दलितों में, तो उनके अंदर एक अस्मिता का उभार हुआ है और दलित भी खुलकर सामने आने लगे हैं। तो इसका दूसरा एक प्रभाव यह हुआ है कि जब अब देश में कहीं दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है तो उसका व्यापक असर होता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं। वहीं हाल के दिनों में जब दलित शिक्षा से जुड़े तो उनके अंदर चेतना का भी विस्तार हुआ है। ऐसे समय में इन दोनों प्रत्याशियों को प्रतिनिधि तौर पर देखा जाना चाहिए। दलितवाद जैसे कई शब्द हैं, दलितवाद को समझने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। दलितवाद समझिए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जब दलित चेहरे को सामने लाकर कहती है ये कि दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो एक किस्म का दलितवाद है। दलितवाद और अंबेडकरवाद, ये दोनों अलग अलग चीजें मेरे नजरिए से है। तो अभी के संदर्भ में इसको ऐसे समझना चाहिए कि क्या ये दोनों चेहरे दलितवादी हैं या अंबेडकरवादी हैं। मेरे हिसाब से
अंबेडकर जिस विचार की बात करते थे, इन विचारों से इनका कोई वास्ता नहीं। जैसे कांग्रेस तो शुरू से अंबेडकर विरोधी रही ही है, वही भाजपा का तो अंबेडकर विरोध अंबेडकर प्रेम की आड़ में है। ये भी राजनीति का बहुत ही दिलचस्प चीज है कि आप अंबेडकर प्रेमी दिखते हुए अंबेडकर की खिलाफत करते हैं। जैसे भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, उसका एजेंडा है हिंदुत्व का, और वो अंबेडकर की भी बात करती है। अभी के समय में देखें तो सबसे अधिक अंबेडकर नाम की माला जपने वाला संगठन आरएसएस है, सबसे अधिक अंबेडकर का नाम लेने वाला संगठन भाजपा है। तो इस तरह से देखिए, और दूसरी तरफ सबसे अधिक दलित उत्पीड़न की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में होती है। रोहित वेमुला के ही मसले को आप देख लीजिए कि जिन दो मंत्रियों का कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम आया, मनुस्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय, ये दोनों भाजपा के मंत्री हैं, और ऊना में या फिर तमाम जगहों पर या फिर दलितों की जहां कहीं भी पिटाई हो आप देखिए, या फिर बड़ा सवाल जो आरक्षण का है, उस मसले पर सबसे अधिक विरोधी संगठन भाजपा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक ऐसा चेहरा भी है जो सबसे अधिक दलित प्रेमी होने का ढोंग करती है, दिखावा करती है। क्या सच्चाई है ये आप दर्शक तय करेंगे। तो इन पूरे चीजों को समग्रता में देखना पड़ेगा। टुकड़ों में चीजों को अगर देखेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, तब आपको कभी भाजपा अच्छा लगने लगेगा, कभी कांग्रेस अच्छा लगने लगेगा। याद कीजिए बिहार चुनाव के समय मोहन भागवत ने आरक्षण के संदर्भ में समीक्षा की बात की थी। उसी समय कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी, जो सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे यूपीए सरकार में, उन्होंने भी कहा था हाँ समीक्षा होनी चाहिए। तो मनीष की बात दब गई, लेकिन वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, लेकिन मोहन भागवत की बात उछल गई। आप समझिए क्या आरक्षण पर जो हमले हो रहे हैं वह क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हो रहे हैं? उस समय भी हो रहा था, उस समय ज्यादा हो रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं, और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं, कि कांग्रेस हरे घास में हरा सांप है जबकि भाजपा दिखने वाला सांप है। इन दोनों में बेसिक अंतर यही है, जैसे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। कांग्रेस और भाजपा को ऐसे ही समझना चाहिए, खासतौर पर दलितों के संदर्भ में। तो ये जो पूरा मैं पूरी बात कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के संदर्भ में। ये दोनों ही नेता देश के दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और तीसरी बात, तो फिर आखिर किसके साथ जाएं? क्या समाजवादियों के साथ जाएं? ये जो देश का नया दलित नेतृत्व है कैसा होगा, कहाँ से आएगा? तो देश का नया नेतृत्व जो है इन दोनों से इतर आएगा, समाजवादियों से इतर आएगा, क्योंकि ये सब लोग रंग बिरंगी सरकारें जब बनाते हैं एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बनाते हैं। जब तक आप नए विकल्प की ओर नहीं बढ़ेंगे, नए विकल्प पर काम नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में दलितों की मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा।